नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पे फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम यूज करते हैं मनी ट्रांसफर के लिए या पेमेंट करने के लिए या तो फिर ऑनलाइन ऑफर के लिए, तो आपको यहाँ पे एक बताऊंगा और एक ऑप्शन है जो है जियो पे। आप जो है जियो पे के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं एंड आप जो है पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, एंड इसमें जो बहुत सारा ऑफर भी आप ले सकते हो। आपको जैसे पता है जियो जो है इंडिया में बहुत बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है एंड यहाँ पे बहुत सारा ऑफर भी देता है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा जियो पे में कैसे आप जो है यूपीआई आईडी बना सकते हैं फ्री में आपका मोबाइल से। एंड दोस्तों बिल्कुल जो मैं बताऊंगा यहाँ पे इजिली बताऊंगा कैसे सबसे इजिली आप यूपीआई आईडी बना सकते हो जियो पे में एंड आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गाइज आपको जो है जियो में यू पी आई आई डी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, माई जियो ऐप जो है आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है एंड माई जियो ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है एंड अगर आपके पास पहले से है तो अप टू डेट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा आपका मोबाइल नंबर में जो लॉग इन करने का। एंड उसके बाद देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि यू पी आई बोल के, इस UPI के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप UPI के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली देखिए पावर ऑफ भीम UPI एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन आ रहा है। एंड जैसे आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड में ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे मेरे पास खाली एक ही सिम लगा हुआ है BSNL। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि आप कोई भी मोबाइल नंबर पे जियो छोड़ के भी आप UPI ID क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बता दूँ आपका जो मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे देखिए SMS सेंड फॉर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर वेरीफाइड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुल, ये तीनों जो है ग्रीन हो जाएगा। पहले तो आपको SMS सेंड हो गया, देन यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया एंड देन आपको यहाँ पे वेरीफिकेशन सक्सेसफुल भी दिखाएगा। तीनों होने के बाद सिंपल देखिए आपके पास यहाँ पे एंटर MPIN, यहाँ पे जो MPIN है यहाँ पे कोई भी डाल देना, जैसे मैं 1 2 3 4 डाल दूंगा। एंड यहाँ पे देखिए डियर कस्टमर आपके पास मैसेज भी आ गया कि रजिस्टर करने के लिए, उस पर कन्फर्म MPIN कर देना है। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए कन्फर्म होने के बाद आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो। फिंगरप्रिंट में बस आपको ऑन कर देना अगर पहले से आपको मोबाइल पे ऑन है तो, देन उसके बाद प्रोसेस कर देना। एंड प्रोसेस करने के बाद सिंपल देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है प्रोसेस हो जाएगा एंड लिंक बैंक अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप जो है जियो पेमेंट कर सकते हो, एक्सिस बैंक, HDFC एंड यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे मैं यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट कर लूँगा एंड ICICI सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे देखिए जो बैंक अकाउंट आपका मोबाइल के साथ लिंक होके रखा है सिंपली आपको यहाँ पे शो कर देगा एंड यहाँ पे डेबिट कार्ड भी शो कर देगा, सेविंग या करंट अकाउंट आपको शो कर देगा। देन आपको क्या करना, सिंपली प्रोसेस में क्लिक करना एंड यहाँ पे जैसे प्रोसेस में क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए UPI ID यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट, UPI ID जो क्रिएट हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दिखाएगा एंड आपका जो यहाँ पे UPI ID क्रिएट हो गया मोबाइल नंबर देके @JioPay। यहाँ पे आप अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। एंड जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे UPI ID क्रिएट हो गया। एंड आप अगर चाहते हो कि दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड बैंक अकाउंट में जाके आप यहाँ पे कोई भी बैंक यहाँ पे कर सकते हो। देखिए जैसे मैं यहाँ पे और एक पेटीएम करना चाहता हूँ, पेटीएम में क्लिक करना है एंड सिंपली आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो यहाँ पे मिल जाएगा। देन आपको सेम आपको ऐसे दिखाई देगा अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे आपका किस टाइप का अकाउंट है एंड आपका IFSC कोड। देन आपको प्रोसेस कर लेना है। जैसे आप प्रोसेस कर दोगे यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, डन पे क्लिक कर देना है। एंड अभी से आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह पे कर सकते हैं कोई भी अकाउंट में एंड यहाँ पे स्कैन करके भी आप पे कर सकते हो। सेम आप बिल पेमेंट, रिचार्ज एंड DTH सब कुछ आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो है जियो पे या जियो जो UPI ID क्रिएट कर सकते हैं आपको मोबाइल पे एंड इजिली आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एंड पैसे जो आप स्कैन करके भी भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।